जिसमें करीब मेरे 4-5 सीन्स होंगे, सारा बजट खुद का खर्चा कर रहे हैं, 4-5 सीन्स होंगे, एक गाना है जिसमें काफी रशियन डांसर देखने को मिलेंगे उसके शूटिंग हम लोग बम्बई में करेंगे और अच्छा कुल मिलाकर के फिल्म अच्छी बन। निधि एक सवाल, क्या यश कुमार अच्छे एक्टर हैं, अच्छे प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर तो मतलब मैं नहीं मानती हूँ, और एक्टर बोला जाए तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि जैसा ये एक्टर मैंने देखा है, मैंने इस इंडस्ट्री में एक्टर नहीं देखा है। मेहनती, पंचुअलिटी, हर चीज में परफेक्शन निकालना और एक डेडिकेशन टुवर्ड्स योर कैरेक्टर, वो इस इंसान में देखा है। एंड मैं प्राउडली हिंडोरा पीट पीट के कह सकती हूँ कि मुझे एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर तो बहुत अच्छे हैं वो बात की बात है, लेकिन एज एन एक्टर ही इज सुपर ब्रिलियंट टैलेंटेड, आई डोंट नो एक्स वाई जेड एवरीथिंग। निधि, जब हम लोग पिक्चर शूट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा बड़ी सारी जिम्मेदारियां इन्हें कहता, आपने कहा कि बहुत सारी जिम्मेदारियां इन्हें निभानी होती है, कभी गुस्सा होते हैं यश कुमार? आपने देखा गुस्सा होना जायज है जब एक इंसान के ऊपर प्रेशर है, बट इनका गुस्सा होने का तरीका ही अलग होता है, कब गुस्सा होगा कब नॉर्मल होगा पता नहीं चलता। ये गुस्से में 1 सेकंड का गुस्सा होगा और वो 5 सेकंड प्यार दिखाते हैं, वो अच्छी बात भी है कि यू नो गुस्सा करने से, जब तक आप गुस्सा नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं, जैसा कि इन्होंने कहा, तो गुस्सा करना भी जरूरी है। पर ये कुछ ज्यादा ही कूल प्रोड्यूसर है, आप कह सकते हैं कि बहुत कम गुस्सा करते हैं, सब लोग यश सर क्या क्या पढ़ाते हैं? मैं सिर्फ इतना पढ़ाता हूँ कि जो मैंने किरदार सोचा हुआ है कहानी लिखते वक्त उस किरदार को आप दे दीजिए। एक आखिरी सवाल राघव से ले लेता हूँ। राघव, यश हीरो होते हुए आपको उन्होंने बताओ हीरो कास्ट किया, आपको लग रहा है नई प्रथा है, मैंने भोजपुरी में ऐसा नहीं देखा था, आपको लगता है इससे जो न्यू कमर्स है, जो नए लोग हैं उन्हें बड़ी हेल्प होगी? जी अभी अभी सर ने ही बोला, भैया ने बोला कि इससे अगर 10-15 हीरो बहुत नए आठ हैं तो अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा, वो हेल्दी कॉम्पिटिशन ये नहीं कि ईगो क्रैश करता, ये कि हाँ यार अच्छा ऐसा किया हम ऐसा कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी करना चाह रहे हैं प्रोडक्शन हाउस। यश कुमार जी, इतने सारे वेरिएशंस करते हैं आप अपने कैरेक्टर को लेकर, अपने रोल को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, बिटिया सेठी माई के एक ऐसे आदमी के जो रोल आपने किया, अभी आपका एक लुक दंड नायक में बड़ा वायरल हुआ है, इधर कुछ ऐसा बचा है यश कुमार जी जो आप अभी भी करना चाहते हैं जो अब तक नहीं कर सके? मेरे हर फिल्म में बहुत कुछ बचा है, वक्त के साथ साथ लुक देखते रहेंगे, बहुत कुछ आने को है अभी, बहुत कुछ आने को, पिटारा में बहुत कुछ है, पिटारा खुलता रहेगा, लोगों के सामने आते रहेंगे। अच्छा, यहीं पर आप लोगों एक और फिल्म शूट कर रहे थे इससे पहले, मैं चाहता हूँ दंड नायक की आप थोड़ी सी बात करें। क्या बोले? दंड नायक की जो अभी आप लोग एक और फिल्म शूट कर रहे थे इससे पहले। जी, दो फिल्में, पहले मैं दंड नायक की बात कर लेता हूँ, दंड नायक आप लोग शूट कर रहे थे, जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। दंड नायक एक ऐसे एक ऐसी कहानी है कि आपकी रूह को आप कपा देगी कि यार एक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एक अपाहिज पिता का जंग है, एक अपाहिज पिता की वो जंग जो आपने रुपहले पर्दे पे इससे पहले नहीं किया देखा होगा, जो इंसान खुद नहीं चल सकता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे सिस्टम से अकेला लड़ रहा है, ये गजब की कहानी है। और क्या स्टार कास्ट उसकी क्या थी? काजल राघवानी उसमें है, यश कुमार, काजल राघवानी, अनारा गुप्ता, प्रीति शुक्ला और बहुत सारे हैं, 3 नए विलन मैंने लिए हैं उसमें। पहली चीज़ की एक चीज़ वहाँ पे भी, अब तक आप लोगों ने विलन देखा होगा, खूंखार विलन, ये विलन वो विलन, उस फिल्म में तीनों विलन 20-20-22-22 साल के हैं, अवनीश दुबे हैं, धनंजय सिंह हैं और अनुराग ठाकुर, ये तीनों विलन जो हैं 20-20-21-21 साल के विलन हैं, ये फिल्म के 3 मेन विलन हैं। इसके बाद से बाकी 2-3 विलन हैं उसमें, हमारे संजीव मिश्रा जी हैं, वर्षा तिवारी हैं, नवीन मिश्रा हैं, नया चेहरा है भोजपुरी दर्शी के लिए, तो हर किरदार उसमें बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा अलग है। जो पार्ट 2 बना पार्ट 2, पहली बड़ी हिट फिल्म थी, बड़ी सारी उम्मीदें थी, पार्ट 2 के बारे में थोड़ा सा बताइए। पार्ट 1 से ज्यादा बड़ी हिट होगी पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में एक पागल था, पार्ट 2 में 2-2 पागल है एक पागल अगर उतना बड़ा हिट करा सकता है तो 2 पागल मिलकर इतना बड़ा हिट करा सकते हैं। बहुत बड़ी मर्मस्पर्शी कहानी है, दोनों लोग दिमागी तौर पर विकलांग है, जो निधि झा जी ने किया है, निकू को मैं इनसे प्यार को निकू कहता हूँ, मेरे को निधि झा बोलना भी थोड़ा अकॉर्ड लगता है, निकू ने जो किया है आउटस्टैंडिंग है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा कर जाएंगी। जब इन्होंने पहली बार पहला शॉट दिया था तो हमारे बिहाइंड द कैमरा कैमरामैन जहांगीर सैयद जी ने ताली बजाया था कि बोले वाओ व्हाट अ बॉडी लैंग्वेज, तो एक परिपक्व अभिनेत्री है ही है, इन्होंने इतना काम किया हुआ है कि अब इनको कैरेक्टर बस एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दो समझ जाती है। एंड आई एम थैंकफुल टू निकू के
कि इन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, बिटिया छठी माई के में चार चांद लगाया। निधि, एनी मैसेज टू द ऑडियंस? यही दैट आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार हमें हमेशा से दिया, मुझे स्पेशली शुरू से दिया मेरी पहली फिल्मों से, तो आप लोगों से यही निवेदन करूँगी, गुजारिश करूँगी कि मेरी जितनी भी फिल्म, मेरी ही नहीं हमारी इंडस्ट्री में जितने लोगों की फिल्म आए सबको एक बार ज़रूर देखिए और फिर उसके बाद अपनी राय दीजिए, बिकॉज एक फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लग जाता है, हर डिपार्टमेंट के लोगों को हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो वो सिर्फ इमेजिन करके आप लोग उसे जज ना करें, एक बार ही सही फिल्म देखें। और रही बात हमारी, तो आप लोगों को जैसे कि हम चैलेंज करते हैं कि हम आपको शर्मिंदा होने का हम मौका नहीं देंगे, जितनी भी फिल्में मेरी आएंगी, इनकी आएंगी, इनकी आएंगी, आप सब गर्व से अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके देखेंगे। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट, जब भी बिटिया छठी माई के 2 आएगी, जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि बेटी नंबर 1, आप लोग अपने परिवार, बच्चे, बुजुर्ग सबके साथ देखिए, बिटिया छठी माई के 2 भी अपने पूरे फैमिली के साथ देखिएगा, और यही चाहूंगी कि अपना प्यार और आशीर्वाद यू ही बनाए। एक और चीज जी, सर पूरे सेट ने आपके लिए तालियां बजा दी। सर मैं सबके लिए ताली बजाता हूँ क्योंकि इनके बिना मैं बहुत बहुत शुक्रिया। यश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।